नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पर। आज के इस वीडियो में BSF एग्ज़ाम के लिए कंप्यूटर के क्वेश्चन देखेंगे। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप लोगों से एक बात कहना चाहूँगा कि जिन दोस्तों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और पास में जो बेल आइकन होता है उसको भी ज़रूर दबा लें। चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। तो गाइस, आज के सेशन में पहला क्वेश्चन है, यह एक कम्युनिकेशन प्रोटोकॉल है जो सभी GSM सक्षम मोबाइल डिवाइस पर उपलब्ध रहता है। तो ये हो जाएगा ऑप्शन ए USSD। अगला है, पर्सनल कंप्यूटर्स को आपस में जोड़कर खालिस्तान बनाया जाता है। ऑप्शन सी नेटवर्क बनाया जाता है। क्या बनाया जाता है? नेटवर्क। नेक्स्ट, एंटीवायरस किस प्रकार का सॉफ्टवेयर है? तो ये है ऑप्शन डी यूटिलिटी सॉफ्टवेयर। नेक्स्ट है, वर्कशीट के डाटा के ग्राफिकल एवं पिक्टोरियल प्रेजेंटेशन के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? तो ऑप्शन ए चार्ट का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट है, ऊर्ध्वाधर पेज ओरिएंटेशन का अर्थ है? तो ऑप्शन डी पोर्ट्रेट। नेक्स्ट है, खालिस्तान सेलों का एक समूह होता है जिससे स्क्रीन पर एक आयत बनता है। तो ऑप्शन डी रेंज। अगला है, डिजी लॉकर भारत सरकार द्वारा संचालित एक खालिस्तान सेवा है। तो कैसी सेवा है? ऑप्शन ए डिजिटल लॉकर। कैसी है? डिजिटल लॉकर। जोड़ घटाना गुणा भाग तथा अन्य तार्किक कार्य निम्न में से किसकी सहायता से किए जाते हैं? ऑप्शन बी ALU, अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट के द्वारा। अगला है, निम्नलिखित में से कौन सा एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर नहीं है? तो ऑप्शन ए यूटिलिटी प्रोग्राम, बाकी के तीन है MS वर्ड, कोरल ड्रा और पेज मेकर। अगला है, प्रेजेंटेशन में नई स्लाइड को जोड़ने के लिए खालिस्तान कुंजी का प्रयोग किया जाता है। तो ऑप्शन सी हो जाएगा Ctrl+M। अगला है, फाइलों को खालिस्तान में स्टोर करके व्यवस्थित किया जाता है। ऑप्शन बी फोल्डर्स। निम्न में से कौन सी नेटवर्क की संरचना नहीं है? तो ऑप्शन सी हो जाएगा स्क्वायर। नेक्स्ट है, जब कंप्यूटर प्रयोक्ता किसी डॉक्यूमेंट को खालिस्तान करते हैं तो वे इसकी अपीयरेंस को बदल देते हैं। तो एडिट। क्या करते हैं? एडिट करते हैं। नेक्स्ट है, ऑप्टिकली पढ़ी जाने वाली फ्लैट मेटालिक डिस्क जिसमें स्थायी रूप से बहुत सी इंफॉर्मेशन स्टोर होती हैं उसे खालिस्तान कहते हैं। उसको कहते हैं CD-ROM। टेक्स्ट के ऊपर माउस एरो को ड्रैग करते हुए शेडिंग द्वारा टेक्स्ट सिलेक्ट करने को खालिस्तान कहते हैं। तो ऑप्शन बी हाईलाइट कहते हैं। हाईलाइट। निम्नलिखित में से कनेक्टिविटी का उदाहरण कौन सा है? तो ऑप्शन ए इंटरनेट। अगला है, ISDN का पूर्ण रूप क्या है? तो ये है ऑप्शन डी इंटीग्रेटेड सर्विसेज डिजिटल नेटवर्क। निम्नलिखित में से कौन मोबाइल भुगतान सेवा से संबंधित है? तो ऑप्शन सी ए और बी दोनों। ए है भीम ऐप, फिर है UPI। सर्वप्रथम बनाया गया उपलब्ध नेटवर्क था तो अर्पा नेट था। कौन सा था? अर्पा नेट। BSNL का पूरा नाम क्या है? तो विदेश संचार निगम लिमिटेड। स्मार्ट बैंड में क्या होता है जो आपके स्वास्थ्य के बारे में आपको जानकारी देता है? तो ऑप्शन बी पैडोमीटर होता है। क्या होता है? पैडोमीटर। अगला है, खालिस्तान कुंजी स्टार्ट मेन्यू को प्रदर्शित करने के लिए प्रयोग की जाती है। ऑप्शन सी विंडोज। टेक्स्ट की रॉ
के आरंभ में जाने के लिए खालिस्तान कुंजी दबाएं, तो ऑप्शन ए होम कुंजी दबाना पड़ेगा। अगला है वह पद या टर्म जो इंटरनेट कनेक्शन उपलब्ध करवाती है, तो ऑप्शन बी ISP। ईमेल भेजते समय खालिस्तान की लाइन संदेश की विषय वस्तु के बारे में बता देती है, तो ऑप्शन बी सब्जेक्ट। निम्न में से किस यूटिलिटी का प्रयोग कंप्यूटर की गति को बढ़ाने में होता है, तो ऑप्शन ए डिस्क क्लीनर। रेलवे आरक्षण किसका उदाहरण है, तो ये उदाहरण है ऑप्शन डी ऑनलाइन प्रोसेसिंग का। निम्नलिखित में से स्टोरेज की सबसे बड़ी यूनिट कौन सी है, तो ऑप्शन डी हो जाएगा TB, मतलब टेरा बाइट। कंप्यूटर को खालिस्तान बताता है कि इसके कंपोनेंट्स का प्रयोग कैसे किया जाए, तो ऑपरेटिंग सिस्टम OS। निम्न में से कौन QR कोड का प्रकार है, तो ऑप्शन ए स्टैटिक। नेक्स्ट क्वेश्चन बनता है, टिपिकल नेटवर्क में सबसे महत्वपूर्ण या शक्तिशाली कंप्यूटर कौन सा है, तो ऑप्शन सी नेटवर्क सर्वर। अगला है रिलेटेड फाइलों के समूह को खालिस्तान कहा जाता है, तो क्या कहा जाता है, ऑप्शन सी डाटाबेस कहा जाता है, डेटाबेस। बिजली बंद कर दिए जाने के बाद जो स्टोरेज अपना डाटा रखती है उसे खालिस्तान कहते हैं, उसे कहते हैं नॉन वोलेटाइल स्टोरेज। निम्न में से कौन सा एक एंटीवायरस सॉफ्टवेयर नहीं है, तो ऑप्शन डी ओरेकल, बाकी के तीन हैं। डॉस का पूरा नाम क्या होता है, तो डॉस का पूरा नाम होता है ऑप्शन ए डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम। अगला USSD कोड किस चिन्ह से शुरू होता है, तो ऑप्शन बी स्टार चिन्ह से। इम्प्रेस में कौन सा ऑब्जेक्ट स्लाइड पर लाया जा सकता है, तो ये सभी चित्र लाए जा सकते हैं, ग्राफ और टेक्स्ट। अगला इम्प्रेस में ऑब्जेक्ट का आकार बदलने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है, तो ऑप्शन सी हो जाएगा फॉन्ट का प्रयोग किया जाता है। डाटा को किसी भी प्रकार से क्षतिग्रस्त या हानि पहुंचाने के लिए बनाए गए प्रोग्राम को कहते हैं, ऑप्शन डी कहते हैं। अगला है उबंटु में मैक्सिमाइज बटन के तुरंत बाद कौन सा बटन प्रदर्शित होता है, तो ऑप्शन सी हो जाएगा क्लोज। सॉफ्टवेयर का प्राथमिक उद्देश्य डाटा को खालिस्तान में बदलना है, तो ऑप्शन बी सूचना में बदलना है। कंप्यूटर का ऑपरेटिंग सिस्टम यूज़र और खालिस्तान के मध्य इंटरफेस प्रदान करता है, तो ऑप्शन बी हो जाएगा हार्डवेयर। एक न्यू प्रिंटर को निम्न में से किसके द्वारा ऐड किया जा सकता है, तो ऑप्शन ए कंट्रोल पैनल के द्वारा। अगला है टैब कुंजी अथवा की का प्रयोग किस लिए होता है, तो पैराग्राफ इंडेंट करने के लिए। डेस्कटॉप पर निम्न में से कौन से मुख्य कंपोनेंट्स हैं, तो ऑप्शन डी ये सभी। पहला स्टार्ट बटन, फिर है विंडोज़ डेस्कटॉप, फिर है नोटिफिकेशन एरिया। डाटा का संग्रह जिसे एक विशेष नाम द्वारा संग्रहित किया जाता है वह है, ऑप्शन बी वह आपका हो जाएगा फाइल। वर्ड टेक्स्ट को इटैलिक बनाने के लिए निम्न में से कौन सी संयोग कुंजी प्रयोग होती है, तो Ctrl+I। रिबन के किस भाग को मार्जिन बदलने के लिए प्रयोग किया जाता है, तो पेज लेआउट। नेक्स्ट है, इनमें से कौन सा एक
टेक्स्ट फंक्शन नहीं है तो ABS, बाकी के तीन हैं। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सी 3D प्रिंटिंग की प्रक्रियाएं हैं, तो ऑप्शन डी ये सभी। पहला है बाइंडर जेटिंग, पाउडर बेड फ्यूज़न, सीट लेमिनेशन। तो गाइस आज के इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू, धन्यवाद, आपका दिन शुभ रहे।